क्या सीन हुआ, क्या हुआ अरवी? भाई फ्रेंड को राइड चाहिए भाई तेरे साथ। हाँ राइड यार, दीक्षा है ना मेरे पास बैठी हुई। आपको चाहिए ना राइड? अरे मैं कह रहा हूँ दे यार। तो कोई नहीं यार, इसको एक राइड दे देते हैं छोटी सी। तेरी फ्रेंड बैठा रहा हूँ मैं राइड के लिए, कोई गुस्सा तो नहीं होगा? हाँ भाई मुझे कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ मर्जी से राइड लेने की। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चले। थैंक यू, मेरा सपना पूरा हो गया। किस चीज का सपना? हाँ जी, का ड्यूक पे राइड करने का सपना था क्या? कुछ बात है, अगर मैं बता दूं तो क्या पता हमारा फ्रेंडशिप जो है टूट जाए। ना ना यार, नहीं 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 तो बता दूं यार, मुझे मुझे आप पसंद हो। मैंने निभाया है करके दिखाया है। यार कोई बात नहीं, लाइक करते हैं हम, एज ए फ्रेंड रह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है फ्रेंड रहने में? किसी फ्रेंडशिप के लिए नहीं यार, फ्रेंडशिप के अलावा मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना कुछ। नहीं यार, आप कुछ टाइम मतलब टाइम दे लो फिर बता दो। ये बुद्धू बन गया? हाँ बुद्धू बन गया। सो हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम टू केटी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, कुछ ऐसी सी लोकेशन से आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, ये लोकेशन अम्फला से पीछे है 2-3 किलोमीटर। भाई आज हम जा रहे हैं एक सिंपल सी राइड पे, मेरे साथ आरवी है और आरवी के एक दोस्त भी मिलने आ रही है जिससे इसने कल मेरे को मिलाया था। ये चेक करो भाई। तो सबसे पहले आरवी को बाइक दिलवाता हूँ मैं जीवल से, देन उसके बाद भाई ये जाएगा अपनी फ्रेंड को पिक करने और मैं भी निकलूंगा यार बहुफोर्ट के लिए, फिर मिलके आप लोगों के साथ भाई बातचीत करते हैं। तो भाई मौसम चेक करो, बहुत प्यारा हो रखा है भाई, बिल्कुल भी धूप नहीं है और मजा आ रहा है भाई। टाइम अभी दिन के 2 बज रहे हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने आरवी को ड्रॉप कर दिया इधर जीवल में और ये इधर से मिनी बस पकड़ के भाई बोफोर से बाइक लेके और रिक्शा को भी उठा के ले आएगा। और भाई जो इसकी फ्रेंड है वो इधर सरवाल में पास में पड़ती है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही तेरी फ्रेंड को पिक करके ले आता हूँ। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल आरवी की फ्रेंड को पिक करने और उसको पिक करते हैं। भाई चेक करो भाई, पुलिस वाला रोक रहा है यार बाइकर्स को। ये चेक करो भाई, इधर वेट कर रही है बेचारी को, बहुत गर्मी लग गई है। कैसे हो? बैठो। सो गाइस फाइनली बोफोर्ट में पहुंच चुके हैं, मैंने आरवी को कॉल किया तो आरवी अभी इधर पीछे शॉप पे बैठा हुआ है, तो जाते हैं उनके पास। पहले दीक्षा और आरवी से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, फिर जाते हैं भाई इधर से, फिर निकलेंगे फुल पावर सीधा भाई सनासर के लिए। और वो इधर से ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर दूर है, आना जाना मतलब 60-70 किलोमीटर आज का दिन का पड़ेगा हमें। तो फिलहाल अभी इधर लगाता हूँ मैं बाइक, आरवी इधर इसी शॉप में, उसने मेरे को बताया था कॉल पे। बस बढ़िया, और आरवी आए अंदर? आए कैसे? सो गाइज, अभी हम फाइनली निकल चुके हैं आज की ट्रिप पे भाई, बहुत मजा आने वाला व्लॉग में, तो व्लॉग का एंड तक जरूर देखना। हमारा भाई अब वापस आने का प्लान है 6-7 बजे तक का, क्योंकि 7 बजे जाना है दीक्षा को जिम। तो कैसे सीखेगी बाइक अगर डरेगी तो? यार 30-40 किलोमीटर आगे और जाना है हम लोगों को। और ये चेक करो भाई, उसकी फ्रेंड ये है भाई लद्दाख से, और इसका आज लास्ट डे है इधर जम्मू में, और फिर उसके बाद ये लद्दाख के लिए जा रहे हैं। यार इनको कुछ बोर्ड में काम वाम था, देख रहे हो गाइस कुछ तो सीन है भाई। तो वो इतनी बारी हाई करके पागल है ना? क्या सीन है? सो गाइस, कैमरा में वो हाई कर रही है, ये बेचारी न्यू है, इसको थोड़ी हिंदी भी कम आती है, मतलब ठीक ठीक आती है बट इतनी ज्यादा हिंदी नहीं आती इसको। चेक करो भाई, क्या सीन हुआ, क्या हुआ अरवी? भाई फ्रेंड को राइड चाहिए भाई तेरे साथ। हाँ राइड यार, दीक्षा है ना मेरे पास बैठी हुई। आपको चाहिए ना राइड? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ यार। हाँ राइड दे दे एक अपने साथ। मैं कह रहा दीक्षा कहाँ बैठेगी? मेरे पीछे बैठ जाएंगे। चल यार ठीक है, नहीं तो गाइस इसकी फ्रेंड ना राइड जाती है अभी भाई मेरी ड्यूक पे, तो कोई नहीं यार, इसको एक राइड दे देते हैं छोटी सी। तेरी फ्रेंड बैठा रहा हूँ मैं राइड के लिए, कोई गुस्सा तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई चले। आपके पास कुछ बज रहा है क्या? हाँ मेरा फोन आ रहा है शायद, पता नहीं, तभी भी आपसे राइड मांगी। अरे चलो कोई ना, आप पहले बोल देते, हम पहले बैठा देता मैं। आपको बाइक वगैरह आती है चलाना? नहीं मैंने नहीं सीख रखी, लेकिन मुझे सीखने का बहुत शौक है। सिखाएंगे फिर आपको, आज तो आपका लास्ट डे, अगर आप अभी आओगे ना नेक्स्ट टाइम? आऊंगी, जरूर आऊंगी, तो तब सिखाएंगे आपको हम। सच में? हाँ। ये लोकेशन कैसी लगी आपको? हाँ जी, ये लोकेशन कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत अच्छा व्यू है। थैंक यू, मेरा सपना पूरा हो गया। किस चीज का सपना? हाँ जी, क्या ड्यूक पे राइड करने का सपना था क्या? हाँ
चला गाइस। सो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट पे, और ये चेक करो भाई इधर का मैगी पॉइंट। फिलहाल अभी रुकते हैं यार, इधर थोड़ी बारिश वगैरह हो रही है तो चेक करते हैं, पहले मौसम को चेक करके आगे निकलेंगे। सनासर अभी इधर से 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा आगे, तो भाई थोड़ा देखते हैं इधर का माहौल, फिर आपको लोगों को बताते हैं भाई। थोड़ा मैगी शैगी टेस्ट करते हैं इधर की, बहुत प्यारी मैगी बनती है इधर। चलो ठीक है, मजा आया ना राइड में? बहुत ज्यादा मजा आया। चलो और अभी चलते हैं फिलहाल आगे, और अभी तक अगर व्लॉग में आप बने हो तो व्लॉग को लाइक कर दो। बता दो क्या, इधर ही बैठ के बता दो। नहीं यार आपका क्या अजीब मानना, वैसे भी आप मेहमान हो, क्या अजीब मानना? किस बात का डर यार, कोई दिक्कत नहीं। बात है अगर मैं बता दूं तो क्या पता हमारी फ्रेंडशिप जो है टूट जाए। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं तो बता दूं? कोई बात नहीं, बताओ। श्योर यार, बात ये है ना कि यार मुझे आप पसंद हो। मुझे आप पसंद हो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे वो बात नहीं है, बस आप भी बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन यार ऐसा अच्छा नहीं ना लगेगा, आरवी को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। नहीं आरवी से क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ आरवी आपका दोस्त तो है मेरी, बट उसको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसकी दोस्त हो फिर आप मतलब ऐसे उसको बैठ अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी वैसे भी। नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारी भी दोस्ती अच्छी है ना, बेटर है इस चीज में, क्या करेंगे हम मतलब। नहीं दोस्ती तो साइड पे ना, लेकिन लाइक करते हैं ना आपको। यार कोई बात नहीं, लाइक करते हैं हम, एज अ फ्रेंड रह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है फ्रेंड रहने में। मैंने आपके लिए कुछ लाया है। क्या लाया बताओ, आंखें बंद करो। अच्छा खोल दो आंखें, ये आपके लिए। थैंक यू। करके दिखाया है ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार के अलावा मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना फिर। नहीं यार आप टाइम मतलब टाइम ले लो फिर बता देना। टाइम क्या लेना यार, आपका दोस्त बुरा मान जाएगा, मुझे पता है ना आरवी अगर देखेगा तो ये चीज़ें बुरी मानी जाएगा। यार नहीं मानेगी यार, कब से आप आरवी बोल रखे हो। यार कोई बात नहीं, बात करो। नहीं हम मतलब एज अ फ्रेंड रह लेते ना। नहीं यार मैंने बता दिया, अब तो मैं कल तो चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने आज बता दिया आपको। कोई दिक्कत होने वाली, अब हम दोस्त रहते हैं ना, कोई चक्कर चक्कर नहीं। ठीक है, क्या बात है केडी साहब, बड़े खुश खुश लग रहे हो। कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है खुश खुश, क्या हुआ, बड़ी साइड जाके बातें कर रहे थे। ये हंसी वो हंसी नहीं है, भाई उसके हाथ में फूल भी है, दीक्षा झूठ बोल रहा है वो। तो फूल ऐसे ही इतना वो हो रहा था, झूठ देखा कैसे बोल रहे हैं। कहाँ जाते यार, फूल ऐसे दे दिया इसने, ऐसे मतलब एज अ फ्रेंड। लेकिन गाइस इसकी फेस पे खुशी देखो यार, दीक्षा इसके फेस पे खुशी तो देख पा रही, इसकी चेहरा खिला हुआ। एज अ फ्रेंड दिया मेरे को फूल अलीशा ने, लेकिन ये खुशी वो खुशी नहीं है जो नॉर्मल इंसानों में होती है। तो कैसी खुशी है ये, कुछ अलग से चेहरा खिला हुआ है, कुछ फूल की तरह खिल रहा है। मुझे शर्म आ रही है, बता सच सच बता भाई हमें। अलीशा को पूछ रहे यार, मेरे को क्या पूछे, ये क्यों खुशी इतना यार, मुझे क्यों खुशी, उसी से पूछ लो भाई बता दे। हमने कोई बात ही की ना नॉर्मल, इसने बस फूल दिया मेरे को ऐसे, इसका चेहरा खिला खिला है, क्या चक्कर है। हां कुछ तो हुआ है, उससे पूछ, कोई पंगा तो नहीं किया शायद कुछ। नहीं उसी से पूछ लो। नहीं यार ऐसे क्या मजा आ रहा था यार, रैंड यार मैं पूछे इतना उल्ला साडे तो ना। बोलो भाई क्यों इतने खुश। नहीं यार ऐसे बस हमारी अच्छी बातें हैं। क्या भाई दादाज Prank. ये बुद्धू बन गया। हाँ बुद्धू बन गया। क्यों बुद्धू मेरा था क्या था गाइस, ये बुद्धू क्यों एक नंबर का बुद्धू। शक्ल देखो गाइस,
जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कैसा गाइस